नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेन पावर बोर्ड की। तो आज हम यहाँ बनाने वाले हैं मेन पावर बोर्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है एमसीबी का, सबसे पहले जो है हम एमसीबी का कनेक्शन करेंगे। तो इस एमसीबी कनेक्शन में जो है हमें लाइन और लोड देखना है। तो ये जो हम पीला वाला तार लगा रहे हैं, ये जो है हमारा जो है लाइन है, ठीक है, न्यूट्रल और फेस ये दोनों पावर सप्लाई है। तो हम जो है न्यूट्रल और फेस यहाँ लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि मैंने उसे अच्छी तरह से यहाँ लगा लिया है और इस न्यूट्रल और फेस को हम यहाँ जो है बढ़िया से यहाँ इस वायर को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा न्यूट्रल और फेस वायर जो है लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब इसे जो हम अच्छी तरह से कर लेंगे। फिर जो है हमारा दूसरा सिरा जो है एमसीबी का, दूसरा सिरा जो है लोड का है। ये जो अब लोड जो है हम एमसीबी के दूसरे सिरे से निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जो है ये रेड वाला वायर जो है यहाँ से हम लगा लेंगे। ये देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला वायर है, इस लोड से हम जो है निकालेंगे न्यूट्रल और फेस। तो लोड यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो हमारा लोड वाला वायर जो है पूरी तरह से यहाँ जो है हम लगा चुके हैं। अब इसका जो है ये लाइन और फेस, लाइन और जो है हमारा न्यूट्रल और फेस जो है यहाँ हमारा कंप्लीट होगा। अब इस बॉक्स को हम जो है अच्छी तरह से बिठा लेंगे यहाँ से और इसे स्क्रू से अच्छी तरह से यहाँ से कस लेंगे। स्क्रू से कसने के बाद जो है अब हम यहाँ जो है मेन सप्लाई देंगे। यहाँ से हम इस स्विच और सॉकेट का जो है कनेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा 3 स्विच और 2 सॉकेट है, इसका हम सबसे पहले जो है इन तीनों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। एक इसमें जो है हम फेस पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इस तीनों स्विचों को एक सिरा जो है आपस में कनेक्ट कर लिए और दूसरे टर्मिनल से हम जो है फेस पावर सप्लाई देंगे। तो ये जो हमारा होल्डर वाला वायर है यहाँ से, अब यहाँ से ये देख सकते हैं इस सॉकेट के पहले वाले टर्मिनल से इस जो है किनारे वाले स्विच से जो है हम इस स्विच से कनेक्शन कर देंगे। तो फाइनली जो है इस स्विच से हम कनेक्शन यहाँ हो रहा है। तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ हो चुका। फिर उसके बाद जो है इस स्विच से इस सॉकेट में कर देंगे। अब ये जो है सॉकेट के इस टर्मिनल से स्विच के इस टर्मिनल में इसका कनेक्शन हो गया। उसके बाद जो है अब बीच वाला जो स्विच बच रहा है, ये जो होल्डर का है, ये होल्डर वाला वायर जो है न्यूट्रल और फेस आया है। तो हम इसमें जो है न्यूट्रल और फेस जो है हम एक जो है यहाँ से फेस ले लेंगे इसका और बीच वाले जो है स्विच से हम जो है कनेक्ट कर देंगे एक टर्मिनल से। तो यहाँ देख सकते हैं और हमने यहाँ जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अब हमारा सिर्फ बचा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के सभी सिरों को जो है हम आपस में क्या करेंगे, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ से भी हम जो स्विच तीनों स्विच को आपस में कनेक्ट किए हैं वहाँ से हम फेस पावर सप्लाई दे दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है अब न्यूट्रल का एक होल्डर का बचा और एक एमसीबी और ये दोनों सॉकेट का, ठीक है। मेन पावर सप्लाई एमसीबी से आ रही है, उसके बाद दोनों सॉकेट का न्यूट्रल और एक होल्डर का न्यूट्रल, ये तीनों आपस में हम क्या करेंगे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये मेन पावर सप्लाई ये जो है एमसीबी से आ रहे हैं वायर और इसे जो है हम इस सॉकेट में कनेक्ट करके ये होल्डर वाला वायर जो है इसमें कनेक्ट कर ले रहे हैं और ये दोनों वायर जो है हम सॉकेट में यहाँ लगा लेंगे।
ये दोनों वायर जो है हमारा इस सॉकेट में अच्छी तरह से लग चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं, कनेक्शन ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये जो है हमारा एमसीबी का जो है लाइन वाला है, ये लाइन वाला जो है हमने निकाल लिया है बाहर, और यहाँ से काट कर हम जो है जोड़ देंगे, और हम मेन पावर सप्लाई यहाँ से जहाँ से हमें लाइन जोड़ना है वहाँ से हम जोड़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और